ये उन दिनों की बात है जब पांडव वनवास में थे। जब पांचों पांडव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में गए और अपनी सारी दुविधा महर्षि वेदव्यास को बताई, तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करते हुए अपना राज्य पुनः पाने का कोई उपाय बताने को कहा। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कौरवों के पास द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। इसीलिए बिना दिव्यास्त्र प्राप्त किए आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा कि हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, हम दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, आप सभी भाइयों में केवल अर्जुन ही एक ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न कर उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी जिससे देवता प्रसन्न हो और अर्जुन को दिव्यास्त्र दे। महर्षि वेदव्यास द्वारा बताए राह पर चलते हुए अर्जुन तपस्या के लिए चल दिए। उत्तराखंड के पर्वतों से होते हुए एक बेहद खूबसूरत वन में जा पहुंचे। वही शांत वातावरण में बैठकर शिवजी की तपस्या करने लगे। शिवजी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भील का वेश धारण कर वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक दैत्य शुकर का रूप धारण कर अर्जुन के धात में है। तब भील रूपी शिवजी ने उस शुकर पर अपना बाण छोड़ा। उसी समय अर्जुन की तपस्या भी टूट गई और उसी शुकर पर उनकी दृष्टि पड़ी। तभी अर्जुन ने भी अपने गांडीव धनुष से उस पर बाण छोड़ दिया। शुकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसकी मृत्यु हो गई। शुकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन में बहस छिड़ गई कि उसे किसने मारा। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और युद्ध का रूप ले लिया। अर्जुन लगातार भील रूपी शिव पर बाण चला रहे थे, किंतु उनके सारे बाण भील के शरीर को छूकर टूटकर गिर जाते थे। भील खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंत में अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए। इस पर अर्जुन ने अपनी तलवार निकालकर भील पर आक्रमण किया, किंतु वो तलवार भी टूट गई। अब अर्जुन को क्रोध आ गया और भील को मल्ल युद्ध के लिए कहा। मल्ल युद्ध में अर्जुन परास्त हो गए और मूर्छित होकर गिर गए। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने देखा कि भील अभी भी उनके समक्ष खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति को देखते हुए अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी की मूर्ति पर पुष्प की माला डाली, किंतु तभी वो माला शिव की मूर्ति पर पड़ने के बदले भील के गले में चली गई। इससे अर्जुन को समझ आ गया कि वो भील स्वयं भगवान शंकर है। अर्जुन शिवजी के चरणों में गिर गए और भगवान शंकर अपने असली रूप में आ गए। अर्जुन से उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पाशुपतास्त्र देता हूँ। यह कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद यम, कुबेर, वरुण, गंधर्व और इंद्र अपने वाहनों पर सवार होकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। उन सभी ने अर्जुन को दिव्यास्त्र दिए। इस प्रकार भगवान शिव के साथ युद्ध करने के पश्चात जब भगवान शिव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र नामक अस्त्र दिया। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।